व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट महिंद्रा थार। महिंद्रा थार आज हमारे पास में आई है स्पेशली सारांश भैया की। सारांश भैया की बहुत सारी गाड़ियों के अंदर हमने वर्क किया है एंड उनमें से एक गाड़ी है ये महिंद्रा थार, जिसके अंदर हम साउंड अपडेट करने वाले हैं। भैया जो भी गाड़ी लेते हैं वो टॉप एंड ही लेते हैं एंड हालांकि थार भी उन्होंने टॉप ही लिया था 4x4 के साथ में, बट क्या हुआ ना कि इस गाड़ी के अंदर उन्हें ना तो स्पीकर समझ में आ रहे थे, मतलब स्पीकर का जो उनको टेस्ट पसंद है वो गाड़ी के अंदर कहीं पर भी नहीं आ रहा था, वो साउंड उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो हमने साउंड में डीडी ऑडियो लगाए हैं, डीडी ऑडियो के कॉम्पोनेंट लगाए हैं, पाइनियर के कोएक्सियल लगाए हैं, जेबीएल का एक 2 चैनल का एम्प लगाया है एंड इसी के साथ में एक हमने अंडर सीट सबवूफर लगाया जो है इन्फिनिटी का बेस लिंक मिनी, जो कि बहुत प्यारा बेस प्रोड्यूस करता है, 200 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट देता है एंड 100 वॉट का आरएमएस है। तो ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है एंड हमने बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इसको इंस्टॉल किया है एंड नो डाउट जो साउंड आउटपुट है, जो बेस आउटपुट है वो काफी अच्छा आता है। तो आज की वीडियो में हम थार के अंदर साउंड सेटअप आपको दिखाने वाले हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये दोस्तों महिंद्रा थार एंड महिंद्रा थार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर गाड़ी के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं एंड ये महिंद्रा थार एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर अगर आप टॉप एंड ट्रिम भी ले लेंगे ना तो उसमें भी आप बाहर से भरपूर काम करा सकते हैं, लाइक ग्रिल वगैरह चेंज करा सकते हैं, हेडलाइट्स अपग्रेड करा सकते हैं, इंडिकेटर्स चेंज करा सकते हैं, डोर पैनल पे आप लेदराइट वर्क करा सकते हैं एंड इंटीरियर में भी बहुत सारा डेकोरेशन आप करा सकते हैं। आज ही गाड़ी आई हुई है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो स्पीकर्स हैं वो आपको ऊपर मिलते हैं, यहाँ पर आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं, 2 स्पीकर आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको डोर पे तो स्पीकर मिलते नहीं है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाता है एंड एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो कुल 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। बट इनका जो साउंड है ना वो अगर आप तेज कर देंगे ना वॉल्यूम को, जैसे यहाँ पर हमने ये कर दिया है, अराउंड ये 30 तक जाता है ऑडियो वॉल्यूम एंड 30 तक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा फटने लगता है स्पीकर, तो इसलिए हम स्पीकर चेंज करने वाले हैं एंड स्पीकर कौन से चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर है ब्लैक कलर की थार एंड ब्लैक कलर में ही डब्बे हैं डीडी ऑडियो के, डीडी ऑडियो की बॉक्सिंग है, यहाँ पर कॉम्पोनेंट रखा हुआ है, यहाँ पर डीडी ऑडियो के कोएक्सियल रखे हुए हैं, रेड लाइन सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बॉक्सिंग हम इसको ओपन करके ही बता देते हैं, ये डीडी ऑडियो है, काफ़ी अच्छा साउंड आता है, तो ओपन करके आपको दिखाते हैं एक बार हम। ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर ही आपको ट्विटर मिल जाते हैं, यहाँ पर ये वारंटी कार्ड है, ये आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, ये मेन स्पीकर है डीडी ऑडियो के, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसका क्रॉसओवर, ये आप देखिए ये रखा हुआ है इसका क्रॉसओवर, डीडी ऑडियो की बैजिंग है। अभी ये ओपन हो जाएगा ना तो अनरैप करके भी आपको एक बार चेक करा देंगे। यहाँ पर हमारे ये कोएक्सियल रखे हुए हैं, तो कोएक्सियल गाड़ी के ये वाला जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पर जो स्पीकर हमने दिखाए थे वहाँ पर लगेंगे। थार जिसके अंदर ऊपर में ये डैम्पिंग हो रही है, ब्लॉपंग की डैम्पिंग शीट क्यों लग रही है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये जो स्पीकर्स हैं ना जो ओरिजिनल इसके अंदर में लगे थे वो शेक कर रहे थे, तो इसलिए डैम्पिंग कर रहे हैं जिससे साउंड में डिस्टॉर्शन पैदा ना हो, तो डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए डैम्पिंग हो रही है एंड यहाँ से जो स्पीकर हैं वो निकाल लिए हैं, ट्विटर भी निकाल लिए हैं। आपको ओरिजिनल स्पीकर और ट्विटर दिखा देते हैं हम कैसे दिखते हैं। ये देखिए ओरिजिनल ट्विटर ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं एंड यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है एंड ये स्पीकर रहते हैं जो यहाँ से निकले हैं ना, सेम एज इट इज़ ही हैं और पीछे से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ कोई भी कंपनी ब्रांड वगैरह का नाम नहीं है, जैसे ह्यूंडई में बोस के आते हैं ना तो बोस लिखा होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ऐसी कंपनी आपको स्पीकर की रेंज देती है एंड ट्विटर जैसे कि हमने आपको बताया, ये ट्विटर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो रहे हैं चेंज एंड हमारे जो डीडी ऑडियो के स्पीकर हैं वो आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखिए इनकी फिनिशिंग आप देखिए डीडी ऑडियो की एंड पीछे का जो मैग्नेट साइज है ना वो भी काफ़ी यूज रहता है, तो साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है एंड डीडी ऑडियो की बैजिंग भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं हम थार को। वीडियो में आपको मैंने बताया था कि गाड़ी के अंदर डीडी ऑडियो का ही कॉम्पोनेंट लग रहे हैं एंड कोएक्सियल लग रहे हैं, अब वहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, इसके अंदर कोएक्सियल भी लगाए, बट इसके अंदर कोएक्सियल लगाने के बाद में ना साउंड इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब दोनों का जो आउटपुट है ना जो गाड़ी के ऑनर को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ और चीज़ अपग्रेड करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने पाइनियर के कोएक्सियल लगाए हैं जो कि एक चेंज है वीडियो के अंदर, अब आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखा करो, लाइक यहाँ पर अब पाइनियर के स्पीकर लग चुके हैं, ऊपर हमारे जो हमने आपको कंपोनेंट दिखाए थे सेम एज इट इज़ वैसे लगे हैं। ये फ्रेम आप देख लीजिए डीडी यहाँ पर लिखा हुआ है, डीडी ऑडियो की भी बैजिंग है एंड यहाँ पर ट्विटर प्लेस्ड हो चुके हैं, यहाँ पर जो क्रॉसओवर है उसको यहीं पर प्लेस्ड कर दिया है दोनों क्रॉसओवर्स को एंड यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं वही एज इट इज़ प्लेस्ड हो गए हैं। जो सिनेरियो था हमारा वो चेंज हुआ है इसमें पाइनियर के, यहाँ पर हमारे कोएक्सियल्स लगे हैं, बस यही चेंज हुआ है। अच्छा, इसके बाद में जो गाड़ी के ऑनर हैं उन्होंने कहा कि कुछ साउंड में और इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके बाद क्या किया हमने गाड़ी के अंदर एम्प लगाया JBL का 2 चैनल का। अब एम्प कहाँ पर लगाए वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं।
ये है JBL का टू चैनल एम्प जो कि है JBL की तरफ से स्टेज A6002 करके 6002 यहाँ पर ये सीरियल नंबर है एंड ये एम्प फिट हुआ है। वायरिंग आप देख लीजिए हाई गेज में वायरिंग करी है एंड ये किनको सपोर्ट कर रहा है, जो ऊपर हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना थार के अंदर उनको ये सपोर्ट कर रहा है। आगे के जो पाइनियर की स्पीकर है इनको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये जो कंपोनेंट है उनको सपोर्ट कर रहा है जिससे वोकल्स और जो बेस है वो अच्छा है। अब बेस को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर इन्फिनिटी का बेस लिंक मिनी भी अपग्रेड करा है। इन्फिनिटी का बेस लिंक मिनी इसलिए अपग्रेड किया है जिससे बेस आउटपुट और ज्यादा बढ़े। तो यहाँ आप देखेंगे ये बेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर भी लगा हुआ है थार के अंदर। तो अब आपको साउंड आउटपुट सुनाते हैं कि किस टाइप से साउंड आउटपुट इस गाड़ी के अंदर आ रहा है। काफी क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। डीडी ऑडियो के पहले हमने क्विकजेल लगाने का प्लान किया था, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा जब हम वीडियो को क्रिएट कर रहे थे, तो उस पार्ट को मैंने कट नहीं किया। बट जब हमने उसको इंस्टॉल करके देखा ना, तो कहीं ना कहीं जो साउंड है वो इतना प्यारा नहीं आ रहा था एंड इसको हमने फिर बदल के पाइनियर के क्विकजेल लगाए। देन जो ऊपर के कॉम्पोनेंट है उन्हें हमने कनेक्ट किया जो एम्प है उससे, JBL का टू चैनल एम्प हमने इंस्टॉल किया एंड इसके साथ में हमने जो बूफर है अंडर सीट सब बूफर इंस्टॉल कर दिया। तो जो आउटपुट है वो काफी अमेजिंग आ रहा है, आपने सुनाई। इसी के साथ साउंड आउटपुट आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट। टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी आप फॉलो कर लें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स डेली मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।